समझ आया है कि टेक्निक मैंने डिजाइन का फॉल्ट था। जांच हो रही है, अंतिम रिजल्ट आने तो इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए, सिविल इंजीनियर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बिहार में पुल गिर जाने के बाद बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी यह कह रही है कि इसकी जांच सीबीआई करे ताकि तमाम जो सच है वो बिहार की जनता के सामने आ सके। वहीं करारा जवाब दिया है बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने, और यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे इंजीनियर हैं, टेक्निकल या फिर सिविल इंजीनियर। सबसे पहले आप मंत्री विजेंद्र यादव को सुनिए। प्रयास में है माननीय मुख्यमंत्री जी, लगे हुए हैं कि संपूर्ण विपक्ष जो है एक उम्मीदवार से भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई, अब लगता है उस दिशा में कदम बढ़ रहा है। आगे तो बात बढ़ी है, क्योंकि 12 तारीख की जो बैठक थी वो स्थगित हो गई थी, कांग्रेस के लोग नहीं आए। हाँ, कुछ लोग अलग अलग, राहुल गांधी विदेश गया हुआ है, खड़गे जी बीमार हो गए थे, इसलिए टेस्ट बढ़ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, 10 दिन के बाद ही में क्या नुकसान था। बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रही है, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जो पुल गिरा है उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई टेक्निकल एक्सपर्ट है। बिहार की पुलिस जो है वो सीआरपीसी आईपीसी का ज्ञान रखती है, सीबीआई भी वही है कि टेक्निकल मामले का जांच सीबीआई से क्या हो जाएगा। कोई गुनाह किया है वहाँ, कोई बम फोड़ देता है, कोई विस्फोट होता तब ब्रिज गिरता, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, तो टेक्निकल लोग जांच करेंगे इसका। आई टी रुकी के लोगों को जांच दिया गया, जांच करेंगे। क्यों मांग कर रहे हैं बीजेपी, मांग क्यों कर रही है, क्या लगा मसला है? सर, विपक्ष हम लोगों को माला पहनाएगी क्या, वो अपना विरोध तो करेगी। लेकिन सर, लगातार दो बार घटना, उनके ही मिनिस्टर तो ज़्यादा दिन तक PWD में थे, उस बात को क्यों बोल जाते हैं, इसको चुप के साथ लेते हैं। लेकिन लगातार दो बार ध्वस्त हो गया है, एक ही पहले भी एक साल पहले। अब जैसे अभी तक न्यूज आया है कि टेक्निक मैंने डिजाइन का फॉल्ट था, तो जांच हो रही है, अंतिम रिजल्ट आने तो इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है, उसके बावजूद दो बार पुल गिरा, कहीं ना कहीं श्री नीतीश कुमार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए, सिविल इंजीनियर नहीं। पक्षी पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए भी हम लोग अगला अलग से 15-20 हज़ार करोड़ की योजना कर रहे हैं, अगले 2 साल तक उसको अपग्रेड करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, काम जारी है। निश्चित रूप से। तो आपने सुना मंत्री विजेंद्र यादव को साफ तौर पर यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच इसकी क्यों करेगा। सीबीआई क्या पुल जो गिरा है वो बम से गिरा है या बम विस्फोट हुआ है, ऐसा कुछ घटित हुआ ही नहीं है। देखिए, बिहार सरकार ने जाँच के आदेश दे दिए हैं, जांच चल रही है, और साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर हैं उसके बावजूद पुल गिर रहा है, तो उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेक्निकल इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ाई की है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।